अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी होते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ के जी मटन का कीमा लिया है। वैसे ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें तो इसे चिकन के साथ भी बनाया जा सकता है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। आप चाहें तो इसमें 25% फैट्स भी रख सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इस कीमे को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज को मैंने ग्रेट करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून अजवाइन, 3 से 4 हरी मिर्चें जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और इसी के साथ 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्चें या सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम डाल देंगे गरम मसाला, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें, और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर। तो टमाटर की सीड को निकाल कर मैंने इसको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर, या अगर आप चाहें तो नॉर्मल बेसन को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और फिर हम इसमें 1 अंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा अंडा मैंने एक साथ इसमें नहीं डाला है, अंडे को फेंट कर मैंने इसमें आधे का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आधा अंडा और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो मैं इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए रख रही हूँ, और अगर आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इसे 2 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें। कबाब के मिक्सचर को मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था, और अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे इस तरह से दबाते हुए अपनी पसंद की साइज़ के कबाब बना सकते हैं। वैसे ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा ही होता है, और आप इसे जितना पतला बना सकते हैं उतना पतला बनाएं, और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया है, और अब हम इसमें कबाब डाल देंगे। तो जितने कबाब आपके पैन में आसानी से आए उतने आप इसमें डाल दें, और फिर फ्लेम को मीडियम रखकर हम इन कबाब को फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब इस पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसे एहतियात से आप पलट दें, और इसी तरह पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबाब पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अगर आप इन्हें ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर ये हार्ड होने लगते हैं, और ये जो कबाब होते हैं ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाए आप इन्हें निकाल लें, और फिर आप इन्हें सर्व करें। तो इसे सर्व करते वक्त आप इसके साथ में पुदीने की चटनी ज़रूर रखें, और उसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार कबाब बनकर रेडी होते हैं ये। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ में शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।